नमस्कार दोस्तों, टेक्सचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों ऐसे कमाल के एप्लीकेशंस के बारे में, जो अगर दोस्तों आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हो तो दोस्तों ऐसे एप्लीकेशंस आपको बहुत काम में आने वाले हैं आपके डेली यूज के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये एप्लीकेशंस मैं खुद यहाँ पर मेरे डेली बेसिस में यूज करता हूँ दोस्तों, मेरे एजुकेशन में बहुत काम आते हैं दोस्तों ऐसे एप्लीकेशंस। तो दोस्तों ऐसे 11 एप्लीकेशंस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो दोस्तों आपको काफी हेल्प कर देंगे आपके एजुकेशन फील्ड में और दोस्तों डेली लाइफ में भी आपको काफी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये काफी कमाल के एप्लीकेशंस है दोस्तों, आप भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो देखते रहिए मेरा ये पूरा वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं हमारे सबसे पहले एप्लीकेशन के ऊपर। तो दोस्तों हमारा पहला एप्लीकेशन है दोस्तों जिसका नाम है कैम स्कैनर, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा प्ले स्टोर पर दोस्तों। कैम स्कैनर आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली सर्च कर देना है कैम स्कैनर। तो यहाँ पर कैम स्कैनर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ये ओपन कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों इसमें से आप स्कैन कर पाएंगे अगर डॉक्यूमेंट्स आपके काफी अच्छे तरीके से दोस्तों, जो कि आप मोबाइल कैमरा से स्कैन करते थे हर बार, जो कि यहाँ पर नीचे आपको कैमरा का आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ पर आपके सामने कोई भी डॉक्यूमेंट रख लीजिए जो आपको स्कैन करना है दोस्तों। और यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपली वो पेपर को स्कैन कर लेना है दोस्तों। अगर आप ये मोबाइल कैमरा से स्कैन करें तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि ये एप्लीकेशन इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर सके। तो इसे डायरेक्टली अभी स्कैन कर लेते हैं, एक बार फोटो क्लिक कर लिया तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम क्रॉप कर सकते हैं जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों हो गया है, अभी आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी साइज क्वालिटी देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैजिक कलर पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये स्कैनर काफ़ी अच्छी तरीके से स्कैन कर पाएगा दोस्तों। और यहाँ पर कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, बैक चला जाता हूँ और फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ दिख सके। तो यहाँ पर ये वाला डॉक्यूमेंट है जो कोई एक पेपर का है दोस्तों, तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मैंने स्कैन किया था दोस्तों। क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये कैमरा के फ़ोन से खींची हुई क्वालिटी और ये कैम स्कैनर से खींची हुई क्वालिटी आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन को आप काम में ले सकते हैं दोस्तों, आपके प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसे स्कैनिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दोस्तों। यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दोस्तों वो है दोस्तों एवर नोट, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा प्ले स्टोर पर। यहाँ पर ये एवर नोट आप डायरेक्टली ओपन कर लीजिए प्ले स्टोर पर, आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा एवर नोट। तो यहाँ पर ये नोटपैड की तरह काम करता है लेकिन थोड़ा एडवांस है दोस्तों ये एप्लीकेशन सभी से। तो यहाँ पर मैं साइनअप कर लेता हूँ। तो अभी मेरी साइनअप की प्रोसेस खत्म हो गई है तो स्किप कर दी थी मैंने। और यहाँ पर आप कुछ भी अपने नोट्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन देख रहे हैं आप, यहाँ पर रिमाइंडर, ऑडियो अटैचमेंट, कैमरा से लिए हुए फोटोज यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, हैंड राइटिंग और टेक्स्ट नोट। यहाँ पर टेक्स्ट नोट पे लिए एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आके आप टाइटल देना है आपको आपके डॉक्यूमेंट का दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी टाइप कर देना है दोस्तों, यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपकी सेव हो जाएगी, यहाँ पर आप इसकी टैग्स डाल सकते हैं, यहाँ पर इसमें लोकेशन भी डाल सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप अटैचमेंट्स डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, टैग्स डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये इसको अगर आपको किधर भी शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो का एप्लीकेशन है, आप डेली यूज के लिए इसे काम में ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी हमारा तीसरा एप्लीकेशन है दोस्तों, उसका नाम है WPS Office Plus PDF। तो दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन आपको काफी काम में आएगा दोस्तों, आप PDF फाइल्स को व्यू करने के लिए और ऐसे फाइल्स को, और अगर कोई भी आपकी नोट फाइल हो तो आप उसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा WPS Office का एप्लीकेशन है, ये आपको प्ले स्टोर पर डायरेक्टली मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप आकर PDF फाइल्स को व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड की हुई फाइल्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी PDF की दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी फाइल्स आप एडिट करना चाहे PDF में तो दोस्तों एडिटिंग भी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, और किसी का चाहे शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं ये PDF फाइल्स को दोस्तों। तो ये काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है दोस्तों, आप भी इसे डाउनलोड करके डेली यूज़ में काम ले सकते हैं दोस्तों, काम एप्लीकेशन अच्छा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन PDF फाइल्स आपको व्यू करनी है तो ऑनलाइन भी यहाँ पर आप कर सकते हैं दोस्तों।
और शेयरिंग भी अलाउड है ये एप्लीकेशन में दोस्तों। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो दोस्तों है रियल कैल्क प्लस। तो दोस्तों ये एक ऐसा कैलकुलेटर है दोस्तों जो काफी मदद करेगा आपको कैलकुलेशंस के मामले में। तो दोस्तों आपके मोबाइल में तो नॉर्मल कैलकुलेटर्स आते ही हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये अलग ही कैलकुलेटर है जो कि काफी फ्रैक्शंस वो सब और ऐसे सब मैथ्स के मेथड्स को ये सब जानता है और आप यहाँ पर काफी सारे प्रॉब्लम्स को मैथ्स के सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर अभी हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है दोस्तों वो है विकिपीडिया, जो कि विकिपीडिया आपको प्ले स्टोर पर एक ऐप मिल जाएगा दोस्तों, वो काफी हेल्प कर देगा आपको जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है दोस्तों डायरेक्टली उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके रिलेटेड पिक्चर्स और बहुत सारी उसके रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको विकिपीडिया पर मिल जाएगी दोस्तों। तो अभी यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है टूडूइस्ट। तो दोस्तों ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और इसके लिए खास बात दोस्तों ये है यहाँ पर आप जा सकते हैं, टास्क को सेव कर सकते हैं दोस्तों और काफी सारे इसमें काम सेव कर सकते हैं जो कि आपको ये टाइम पे करना है दोस्तों। ये आपको आपके होमवर्क मैनेजमेंट और ये सब स्टडीज मैनेजमेंट में बहुत ही हेल्प कर देगा दोस्तों और यहाँ पर आपकी टाइम सेविंग के लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है हम स्टूडेंट्स के साथ जो कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे होमवर्क रहते हैं और बहुत स्टडीज में हम इतने बिजी हो जाते हैं और पर्सनल लाइफ में भी इतने बिजी होते हैं तो हमें न्यूज देखने का तो टाइम ही नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन हमारे लिए है दोस्तों जो कि इसका नाम है फिडली। यहाँ पर आपको सभी कैटेगरीज की न्यूज देखने मिल जाएगी दोस्तों जो कि आप रीड कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में और दोस्तों पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये सब जान सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पर नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा है वो है दोस्तों स्क्रिप्ट। ये आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा दोस्तों और इसकी एक खास बात है यहाँ पर ये पूरी की पूरी ऐप है वो जो पूरी लाइब्रेरी है दोस्तों। यहाँ पर आपको सभी बुक्स देखने मिल जाएगी जो भी आप बुक्स रीड करना चाहते हैं डायरेक्टली सर्च करके आप रीड कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों मंथली सब्सक्रिप्शन रहता है अगर आप पैसा देना चाहे तो, वरना यहाँ पर आपको मंथली में 3 बुक्स फ्री में मिलेगी और एक ऑडियो बुक उसके साथ फ्री मिलेगी दोस्तों, वरना आप चाहे तो कुछ पैसे देकर सभी के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर मंथली आपको 3 बुक्स तो फ्री मिल ही रही है दोस्तों वैसे भी। दोस्तों अभी यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो दोस्तों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो दोस्तों ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट है तो। ऐसे बहुत सारे हमारे लाइफ में स्टडीज में वर्ड्स आते रहते हैं जो कि हमें उसके मीनिंग्स नहीं मालूम रहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्टली इस पे वर्ड डाल लीजिए जो भी आपको सर्च करना है दोस्तों और यहाँ पर ये इसकी मीनिंग और उससे रिलेटेड ग्रामर्स बहुत सारे ऐसे आपके सामने रिजल्ट ला के देता है दोस्तों। तो ये भी काफी अच्छा ऐप है हमारे लिए दोस्तों। तो दोस्तों आते हैं अब हमारे 10th ऐप के ऊपर दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन काफी कमाल का है, इसका नाम है दोस्तों सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर ये एप्लीकेशन क्या करेगा जो कि आपके बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया होगी आपके मोबाइल पर ये सबको ब्लॉक करते जाएगा। आप इसमें थोड़ा टाइम सेविंग कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मुझे फेसबुक यूज करना है दिन में सिर्फ इतने टाइम के लिए, जैसे इतने टाइम में मैं 5 मिनट्स के लिए ब्रेक लूंगा तो 5 मिनट फेसबुक, 5 मिनट 2 मिनट्स व्हाट्सएप। तो यहाँ पर ऐसे आप टास्क सेव कर सकते हैं दोस्तों इसकी एप्लीकेशन के अंदर सेल्फ कंट्रोल के अंदर दोस्तों। और यहाँ पर जैसे ही आप 2 मिनट तक व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम वो सब सोशल मीडिया देखेंगे और यहाँ पर फिर अपने आप ये एप्लीकेशन को ब्लॉक कर देगा दोस्तों और आपको बैठ जाना है आपकी स्टडीज के लिए वापस। तो दोस्तों ब्रेक टाइम में ये सब एप्स को आप काम में ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल ये कंट्रोल करेगा आपके डेली रूटीन में आपके सोशल मीडिया, आप ज्यादा ना जाए सोशल मीडियाज पर दोस्तों। तो ये काफी कमाल का एप्लीकेशन है दोस्तों ये मामले में। हमारा लास्ट और एक फाइनल एप्लीकेशन है दोस्तों जो कि बहुत काम का है दोस्तों, जिसका नाम है डुओलिंगो। आपने जरूर सुना होगा डुओलिंगो के बारे में दोस्तों। यहाँ पर वर्ल्ड की जितने भी यहाँ पर लैंग्वेजेस है यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आप सीख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन है, जापानीज हो गई, चाइनीज हो गई, स्पेनिश हो गई, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, हमारी इंडियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, सभी लैंग्वेजेस यहाँ पर आप सीख सकते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग से उनके ABCD से यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी इसमें लैंग्वेजेस दोस्तों। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन को काम में ले सकते हैं आप, नए नए लैंग्वेजेस सीख सकते हैं दोस्तों। तो काफी हेल्पफुल हो जाता है हमारे दोस्तों ये अगर हम कॉलेज लाइफ में है तो बहुत सारे, और बिजनेस में भी है हम लोग तो यहाँ पर दूसरी फॉरेन की लैंग्वेजेस आना हमें बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर फ्रेंच हो गई, तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जो कि हम सीख सकते हैं ये एप्लीकेशन के ऊपर दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन काफी कमाल का है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द एक कमाल के टेक फ्रेश वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।